नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। उधम सिंह नगर पुलिस को पिछले दिनों ही कड़ी मेहनत के बाद बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उधम सिंह नगर के एसओजी टीम ने 111 मोबाइल को खंगाल कर लोगों तक पहुंचाया, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर ने कहा कि एसओजी टीम काबिले तारीफ काम कर रही है और यह क्रम एसओजी टीम का चलता रहेगा। और आज एसएससी ने 12 लोगों को प्रेस वार्ता के दौरान फोन दिए और बाकी लोग मोबाइल एसओजी ऑफिस या थाने से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एसओजी टीम के लिए 2,500 रुपए का इनाम की भी घोषणा की गई। आइए पूरी खबर जानते हैं रुद्रपुर से हमारे संवाददाता महेंद्र पाल मौर्य की इस रिपोर्ट में। ये 111 मोबाइल हमने विगत समय में जो खोए थे जनपद में, और इनकी कीमत लगभग लगभग 15 लाख आके जा रही है, ये बरामद किए हैं। और इसमें से 12 लोग आज यहाँ पर उपस्थित आए हैं, उनको 12 लोगों को हमने उनके मोबाइल सपोर्ट कर दिया। जो अन्य मोबाइल हमारे पास बचे हुए हैं, इन मोबाइलों को थाने के माध्यम से या एसओजी ऑफिस में संपर्क करके ये लोग जिसका भी मोबाइल खोया हुआ है पर्सनली संपर्क किया जा रहा है। जो नहीं आ सकते हो तो हम थाने के माध्यम से उनको वितरित करने की कार्रवाई कर सकते हैं, और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। ये मोबाइल फोन हमने जनवरी ऑनवर्ड्स हमने रिकवर किया है, और ये पिछले लगभग 5-6 महीने में जो भी जनपद के विभिन्न थानों में विभिन्न क्षेत्रों में जो खोए थे, जो हमारे पास जिनके बारे में जो है जो मामला दर्ज हुआ था, उन मामलों उससे संबंधित रिकवरियां हैं। मतलब बहुत अच्छा पहल एसओजी ने किया है, और ये प्रयास जो है भविष्य में भी जारी रहेंगे। सर, एसओजी टीम के लिए को सर इनाम की 2,500 रुपए का इनाम टीम को जो इसमें हमारे इन्वॉल्व थे उन्होंने रिकवर करवाया है। ठीक है।